पुलिस ने एक ऐसे बाइक चोर गैंग को पकड़ा है जिसमें चार चोर नाबालिग हैं। इन शातिर छह चोरों के पास से पुलिस ने नौ बाइक बरामद की है जिनकी कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। सिंगरौली में मोटरसाइकिल चोरी होना बड़ी आम बात है, लेकिन उस समय पुलिस को झटका लगा जब एक झटके में चोर पांच बाइक चुरा के ले गए। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने टीम गठित की और चोरों के खिलाफ अभियान शुरू किया। पुलिस ने मधु साकेत नामक आरोपी को गिरफ्त में लिया। पूछताछ में दूसरे आरोपी कृष्णा साकेत की भी गिरफ्तारी पुलिस ने की। आरोपियों से जब और कड़ाई से पूछताछ की गई तो चार नाबालिग आरोपियों के बारे में भी पुलिस को जानकारी मिली। ये सब एक ही गैंग का हिस्सा हैं। पुलिस ने इनके पास से कुल नौ मोटरसाइकिल बरामद की हैं और चार नाबालिग आरोपियों सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया है। बरामद की गई मोटरसाइकिल्स की कीमत 20 लाख रुपए बताई गई है। आरोपी था मधु साकेत और एक कृष्णा साकेत, दोनों के दोनों आरोपियों को पकड़ा है पुलिस ने पूछताछ की, और पूछताछ करने पर जानकारी निकली। इसमें कुछ चार बालक भी आए हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है। उनसे ही पुलिस के द्वारा जब जानकारी मिली तो उसमें एक बालक से पूछताछ करने पर पता लगा कि उसके द्वारा ही सारी ये मोटरसाइकिलें मिलके चोरी की गई हैं। ये छह लोग थे टोटल, जिसमें चार बालक हैं और दो ये आरोपी जिनके नाम मैंने आपको बताए हैं। इसमें से एक आरोपी जो था, बालक जो था, उसको पूर्व में भी जैन चौकी में मोटरसाइकिल चोरी की ही वारदात में पकड़ा गया था, और उसके बाद वो बच्चा 18 साल से कम उम्र होने के कारण से बाहर था, और उसके द्वारा ये वारदातें फिर से की गई इन लोगों के साथ मिलकर। इसमें जो चोरी का जो तरीका था, इसमें जो एक वृद्ध बालक है जो पहले भी जैन पर पकड़ा आया है, उसके पिता मोटरसाइकिल मैकेनिक का काम करते हैं, और मोटरसाइकिल मैकेनिक का काम करते हुए उसने अपने पिता के साथ में मोटरसाइकिल की बहुत सारे पार्ट्स की जानकारी कर ली थी, जिससे उसको पता लग गया था कि कैसे गाड़ियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। तो अपने साथ वो टूल्स वगैरह रख के फिर इस तरह से पूरा सर्वे करते थे, पूरा रेकी करते थे कहाँ कहाँ अच्छी किस्म की मोटरसाइकिल, जो महंगी मोटरसाइकिल है जिनकी कीमत 2-2, 3-3 लाख रुपए के आसपास है, उन्हीं मोटरसाइकिलों को ये लोग टारगेट करते थे, उन्हीं मोटरसाइकिलों को फिर ये लोग चोरी करते थे और उसका विक्रय करके उसके इस्तेमाल करते थे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।